गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल जो रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस और नॉइज, इन सब चीज़ों टॉपिक हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं, उनमें जो छूट गए होंगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन आते हैं मिसक्लिनियस टाइप के क्वेश्चन जो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, लेकिन अब वो किसी तरीके से छूट गए हों क्वेश्चन, हमें पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें नहीं डिस्कस करें, तो उनमें हम आज ये क्वेश्चन देखेंगे. फिर पुराने गेट में आए हुए ज़्यादातर क्वेश्चन हैं, गेट या ESC में. ठीक है, तो इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और उनकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है. सबसे पहली बात, आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में क्या पता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक साथ नहीं हो सकते कभी. ठीक है, दे कैन नॉट हैपन टुगेदर. जैसे कि मैं अगर लेफ्ट को टर्न कर रहा हूँ तो मैं राइट को उस समय नहीं टर्न कर रहा होगा. ठीक है, मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक साइड में लेफ्ट कर टर्न कर रहा हूँ तो एक साइड में राइट और दोनों राइट और लेफ्ट में दोनों एक साथ टर्न कर लूँ, ऐसा नहीं होगा. मैं या तो लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ या तो राइट टर्न कर रहा होगा. ठीक है, तो वही बात है. अब जैसे हमने एक कॉइन को टॉस करा, कॉइन को टॉस करूँगा मैं, तो या तो मैं इस तरीके का होगा कि कॉइन को टॉस करा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये नहीं कि वो कॉइन में हेड और टेल दोनों आ जाएंगे एक साथ. इवेंट ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो साथ में नहीं हो सकते. तो मतलब कि इससे क्या पता चलता है, पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो है. ठीक है, पी इंटरसेक्शन बी जीरो है, तो आपका क्या होगा इसमें, पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये करते थे ए यूनियन बी का, तो इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जीरो है, तो क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी आ जाएगा. ठीक है, आपका आंसर ए हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, समझ गए. अरे RMS वैल्यू निकालनी है. ठीक है, RMS वैल्यू निकालनी पीरियोडिक वेव फॉर्म है, तो आप लोग क्या करो, एक टाइम पीरियड के लिए आप क्या करो, इसका रूट मीन स्क्वायर निकालनी है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आप एक टाइम पीरियड के लिए इसको इंटीग्रेट करो, इसका जो ये फंक्शन है FT फंक्शन है, इसका स्क्वायर को इंटीग्रेट करिए एक टाइम पीरियड के लिए, और वही टाइम पीरियड से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया मीन स्क्वायर. अब इसको रूट मीन स्क्वायर करना है तो इसको अंडर रूट कर दो, तो ये हमारा रूट मीन स्क्वायर होगी. आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसके अलावा कोई भी फंक्शन हो, तो जैसे कि यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हुई है सॉल्व करने के लिए, तो ये बंद कर लो. ठीक, तो कोई भी फंक्शन हो उसका अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है तो इस तरीके से निकालते हैं. एक बार हल्का सा रिवाइज करा दिया रहे बस खाली. अब हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है. एक फेयर कॉइन को हम लोगों ने टॉस करा है ना, जहाँ हम लोग उसको टॉस कर रहे हैं जब तक कि बोथ हेड एंड टेल अपीयर एट लीस्ट वंस. ठीक है, जैसे कि मान लो एक बार हेड आ गया है ना, एक बार हेड आ गया, पहली बार हमने कॉइन को टॉस करा तो हेड आया. ठीक है, तो जब तक कि टेल नहीं आ जाता तब तक कि हम उसको टॉस करेंगे. ठीक है, फिर दोबारा टेल आया, दोबारे में मान लो फिर हेड आ गया, फिर अगली बार में फिर हेड आ गया, फिर अगली बार में टेल आ गया, हम तब बंद कर देंगे.
तो इसमें एवरेज नंबर ऑफ टॉस की जरूरत हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक। और या पहले टेल आ गया तो जब तक कि हेड नहीं आ जाता, फिर दोबारा टॉस करा फिर टेल आ गया, फिर दोबारा टॉस करा फिर टेल आ गया, फिर चौथी बार टॉस करा फिर टेल आ गया, फिर जब अगली बार टॉस करा तो हेड आ गया, तो तब हम उसको बंद करेंगे। तो ऐसे कितने एवरेज नंबर ऑफ टॉस, ऐसे नंबर ऑफ टॉस तो बहुत बार हो सकते हैं ना, ऐसे कोई वैल्यू नहीं है। एवरेज नंबर ऑफ टॉस कितने लगेंगे कि हमारे दोनों के दोनों एक बार आ जाए, जैसे कि अगर हमने हेड से हेड आया पहली बार तो टेल भी आ जाए, और जब टेल से पहली बार आया तो हेड भी आ जाए, ठीक है। तो इफ फेयर कॉइन इज टास्ट, यही यहाँ पे बोला गया है, फेयर इज कॉइन इज टास्ट रिपीटेडली टिल बोथ हेड एंड टेल अपियर एटलीस्ट वंस, जब तक कि दोनों एक बार नहीं आ जाते। एवरेज नंबर ऑफ टॉस कितनी जरूरत लगेंगे इसकी वैल्यू निकाल लिए। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि पहला जो हम लोगों ने टॉस करा तो हेड आया है। हम लोगों ने माना कि पहले जो हम लोगों ने टॉस करा वो हेड आया है, ठीक है। तो हेड आया, फिर हमारा क्या होगा कि एक एक्स एक रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं, ये डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ टॉस आफ्टर टू गेट द फर्स्ट टेल, जब हम लोग पहला हेड आ चुका है उसके बाद कितने नंबर ऑफ टॉस लग रहे हैं। पहला टॉस हम कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग कितने टॉस कर रहे हैं कि टेल आए, तो एक्स वो रैंडम वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि हो सकता है कि दूसरी टॉस में जो पहला हेड पहली बार में हेड आया था, दूसरी बार में ही टेल आ गया, तो एक ही टॉस और लगा। फिर हो सकता है कि दूसरी बार में हेड आए और तीसरी बार में टेल आए, तो दो और टॉस लगेंगे। तो हो सकता है कि पहली बार सॉरी दूसरी बार में भी हेड आ गया, तीसरी बार में भी हेड आ गया, तीसरी चौथी बार में टेल आया, तो तीन और टॉस लगे टेल आने में। तो एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टॉस आफ्टर गेटिंग फर्स्ट हेड टू गेट द फर्स्ट टेल, ठीक है। तो पहली बार टेल आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, ठीक है, क्योंकि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। हेड आया पहली बार और दूसरी बार टेल आया, तो इसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 × 1/2। उसी तरीके से इसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड हेड टेल, 1/2 × 1/2 × 1/2, ठीक है। उसी तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड 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 टेल, तो ये 1/2 का 1/2 1/2, इसके लिए 1/2, इसके लिए 1/2, इसके लिए 1/2, इसके लिए 1/2, इसी सबकी, तो 1/2 की पावर 4। तो कितने इस रैंडम वेरिएबल की मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालना है, ठीक है, इस रैंडम वेरिएबल की। तो मीन वैल्यू आ गई, ex निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो ex निकालने के लिए x=1 to infinity x px कर दिया, ठीक है, px कर दिया। तो अब हमारा क्या कर रहा है कि mx, ये तो हम लोग कर ही चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं इस तरीके से। तो अब एक्स की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी 1/2, एक्स की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी 1/4, एक्स की वैल्यू 3 है तो प्रोबेबिलिटी 1/8 है, एक्स की वैल्यू 4 है तो प्रोबेबिलिटी 1/16 है, इसी तरीके से ऐड करा। तो अभी ये सीक्वेंस सॉल्व करना थोड़ा कठिन लग रहा है ना, इसको सॉल्व कैसे करें। तो चलो इस सीक्वेंस को 2 से डिवाइड कर देते हैं, न्यू इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। तो mx/2 करा, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये 32 हो गया, ठीक। अब आप क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो। ऐसे ये सीक्वेंस सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल था ना, तो हम लोगों ने उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा इधर उधर का काम करा है कि पहले इसको 2 से डिवाइड कर दिया है, फिर 2 से डिवाइड करके ये सीक्वेंस आई, तो इसमें से अब इसको माइनस करा, तो 1 - 1/2 mx हो जाएगा इधर साइड में, तो ये 1/2 इधर आ जाएगा, ये 1/4, 2 × 1/4 में से 1/4 माइनस होगा तो 1/4 आएगा, 3 × 1/8 से 2/8 माइनस होगा तो 1/8 हो जाएगा, ये 4 × 1/16 से 3/16 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 1/16 प्लस 1/32, इसी तरीके से प्लस डेट आ जाए। तो अब हमें एक जीपी मिल गई है ना, और जीपी जिसका जिसमें आर की वैल्यू जो है वो 1/2 है, मतलब कि 1 से छोटी है, तो और ये इनफाइनाइट तक जा रही है। तो क्या इस तरीके की जीपी को सॉल्व कर सकते हैं, ए अपॉन 1 - r करते थे ना जीपी का सम करने के लिए। तो सिंपल इस वाली सीक्वेंस को सॉल्व करना बहुत आसान है, इस वाली सीक्वेंस को सॉल्व करना नहीं कर पा रहे थे हम, कैसे इसकी क्या वैल्यू निकालेगी। तो हम लोगों ने इस सीक्वेंस को इस तरीके
इसमें से 2 माइनस कर 2 डिवाइड करके फिर इसमें से ये माइनस करा तो हमें जीपी मिल गई, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां से तो 1 माइनस 1 बाई 2 तो एमएक्स बाई 2 आ जाएगा, और इस वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी इस साइड में, ये ए इसका है 1 बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2, तो ये आ जाएगी 1। ठीक है, तो यहां पे mx की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, mx की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। चलिए तो mx की वैल्यू हमारी 2 आ गई, तो एक हेड कर पाने के बाद हमें लगभग एवरेज 2 बार टॉस करना पड़ रहा है तो टेल आएगा। ठीक, तो हमारा mx की वैल्यू 2 आ रही, आने का मतलब यह है कि एक हेड आने के बाद हमें लगभग 2 टॉस और करने पड़ रहे हैं तो हमें टेल मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टॉस कितने जरूरत पड़ेंगे कि हमारा हेड और टेल दोनों आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ एवरेज टोटल नंबर ऑफ टॉस कितने लगे कि हेड और टेल दोनों आ गए 3, क्योंकि पहले हम लोग एक टॉस कर चुके थे हेड, वो हेड आ चुका था, तो टोटल उसके बाद हमें 2 और एवरेज नंबर चाहिए कि हमें टेल आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टॉस कितने लग रहे हैं, वो 3 लग रहे हैं। तो ये काम हम लोगों ने करा था जब शुरुआत में हेड आया था। अगर शुरुआत में टेल आता है तो क्या ये चीजें कुछ ये आंसर में कुछ फर्क होगा? कुछ फर्क नहीं होगा, बस खाली हेड की जगह टेल हो जाएगा, यहाँ पे भी हेड हो जाएगा, यहाँ पे हेड की जगह टेल, टेल की जगह हेड हो जाएगा, वो सब चीजें सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम टेल से शुरुआत करेंगे तो तब भी हमें टोटल एवरेज वो एक्सपेक्टेड कितने टॉस लगेंगे वो 3 ही आएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टॉस जो हमें पहले अगर टेल से शुरुआत करा फिर हमें हेड आने के लिए कितने लगेंगे वो भी 3 आएंगे, अगर हम हेड से शुरुआत करते हैं तो और टेल लाने के लिए तो तब भी 3 ही आएंगे। तो चाहे आप हेड से शुरुआत होगी या टेल से शुरुआत हो, नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ टॉस हमेशा 3 ही रहेंगे। ठीक है, चलिए तो ये उसका आंसर आएगा, एवरेज नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड इज 3। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था ना, समझ में आ गया ना? आप टेल से शुरुआत करो चाहे हेड से शुरुआत करो, प्रोबेबिलिटी सबकी यही आएगी क्योंकि एक ही हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही है आने की, तो दोनों में केसेस में यही आएगी, इसकी मीन इसमें भी मीन की वैल्यू 2 ही आएगी, तो टोटल नंबर ऑफ टॉस उसमें भी 3 हो जाएंगे चाहे, और हेड से जब पहली बार हमने टॉस करा तो हेड आया, तो नेक्स्ट टेल लाने के लिए लाने में मतलब 2 और लगेंगे, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टॉस 3 लग रहा है, तो अगर पहले बार हम लोगों ने टॉस करा तो टेल आया, तो नेक्स्ट हेड लाने में एवरेज नंबर ऑफ टॉस 2 ही लगेंगे, और तो टोटल नंबर ऑफ टॉस जो लगेंगे वो 3 हो जाएंगे एवरेज में, तो चाहे आप हेड से शुरुआत करो चाहे टेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 रैंडम वेरिएबल आपके दिए हुए हैं एक्स और वाई, उनका आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना? आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि उनकी मतलब पीडीएफ सेम होगी है, और हाँ ये वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू अगर हाँ मतलब इसके मतलब ये है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 की होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, वाई की वैल्यू 0 होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, और एक्स की वैल्यू 1 होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, वाई की वैल्यू 1 होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, और एक्स की वैल्यू 2 होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, वाई की वैल्यू 2 होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, तो हम लोग कहेंगे कि ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्टिन्यूस होता है तो हम लोग बोलते हैं पीडीएफ सेम है, और डिस्क्रीट है ये तो हम कहेंगे कि इसकी पीएमएफ सेम है, तो कुल मिला के बात है कि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो हम लोग कहेंगे कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, जो हमें ये डैश है तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी ये होता है ना, तो जब बी हो चुका है उसके बाद ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसको हम लोग निकालने के तरीका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले निकालना होगा कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ये कब हो रहा है, मतलब एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें कब हो रही है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये केवल एक ही केस में हो रहा है,
एक प्रॉब्लम जब एक्स की वैल्यू वन हो और वाई की वैल्यू वन हो, ठीक है, तो ये दोनों एक ही केस में हो रहा है और ये इंडिपेंडेंट है एक्स और वाई, तो हम लोग इंडिपेंडेंट में लिख सकते हैं कि इसके एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू वन होने की प्रॉबिलिटी क्या होगी, पी एक्स इक्वल टू वन पी एक्स वाई इक्वल पी वाई इक्वल टू वन, ठीक है, तो ये 1/4 इंटू 1/4 ये 1/16 आ गया। ठीक, नेक्स्ट चीज हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी बी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ये निकालना है। प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो तभी होगा जब या तो एक्स की वैल्यू जीरो हो और वाई की वैल्यू जीरो हो, जब एक्स की वैल्यू वन होगी वाई की वैल्यू वन हो, और जब एक्स की वैल्यू टू हो या वाई की वैल्यू टू हो, तो इन सारे केसेस में हमारी प्रॉबिलिटी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो होगी। तो यहाँ पे सबको, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो दोनों ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ये एक्स इक्वल टू वन प्रॉबिलिटी वाइज सबको सबकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करा तो 3/8 आ गया। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रॉबिलिटी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू अपॉन एक्स, वो गिवन एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो इक्वल टू ये दिस अपॉन दिस, ठीक, मतलब ये होता होगा ना प्रॉबिलिटी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू गिवन एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ प्रॉबिलिटी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू इंटरसेक्शन एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो अपॉन प्रॉबिलिटी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू आई है 3/8, इसकी वैल्यू आई है 1/16, तो ये दोनों वैल्यू पुट करी तो 1/6 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे यार, ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ दिया हुआ है और एक पॉइंट पे वैल्यू पूछी हुई है, और पता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के एक कोई पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, उससे मतलब नहीं कि एक्स इक्वल टू 4 पे एक्स इक्वल टू 5 एक्स इक्वल टू 6 एक्स इक्वल टू 7, उससे मतलब तो होता नहीं, ठीक है, कोई एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस, ये हम लोग शुरुआत में ही बता चुके हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल वाला। देखा कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन होगा, क्योंकि ठीक है, अब देखो ये क्या है कि पावर ऑफ ए सिग्नल ये दिया हुआ है और पावर ऑफ सिग्नल ए जी टी पूछा है, तो यहाँ पे ए जी टी कुछ नहीं है, बस खाली एक समझ लो हमने जी टी सिग्नल को कोई एक फिल्टर से पास करा है और आउटपुट उस फिल्टर का ए जी टी आ रहा है, ठीक है, तो ए जी टी आ रहा है, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि उसका एच ओमेगा जो है वो होगा ए, ठीक है, एच ओमेगा इस फिल्टर का जो है वो है ए है, तभी तो हम लोग ये एच टी हमारा उस फिल्टर का ए है, ठीक है, तो हमारा जो इनपुट हम दे रहे हैं जी टी वो आउटपुट में ए ए जी टी हो जा रहा है, ठीक है, तो जब एच ओमेगा इसका ए है तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में यही कर लो ना, इसके एच ओमेगा का स्क्वायर एच जी ओमेगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर एच जी ओमेगा हो जाएगा, पावर इधर इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, अगर देखो इसकी पावर पी जी थी है ना, तो इसकी पावर हो जाएगी ए स्क्वायर पी जी, ठीक है, वो तो वैसे ही जैसे पावर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गई वैसी पावर भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पावर आपकी क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहली बात इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा है ना, एम्पलीट्यूड इसका ए से बढ़ जाएगा, ए जी टी हुआ था तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ए से बढ़ गया तो पावर भी उसकी ए स्क्वायर, पावर होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ए स्क्वायर से पावर भी बढ़ जाएगी। दूसरी आप ये समझ लो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जब बढ़ गई है ए स्क्वायर से, तो जब हम लोग पावर निकालने के लिए पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर भी तो आपकी पावर भी तो बढ़ जाएगी, मतलब पावर भी तो इसमें ए स्क्वायर का टर्म बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर का टर्म बाहर आके बाकी सब चीज़ें सेम होंगी, तो ए स्क्वायर पी जी पी जी मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर का ये एस वाई है ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो बस खाली ए स्क्वायर का टर्म बाहर आ जाएगा और बाकी सारी एक्सप्रेशन सेम होगी, तो मतलब ए स्क्वायर पी जी इसकी वैल्यू होगी, तो ये हमारा हो गया पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इसकी ए स्क्वायर पी जी हो जाएगी। नेक्स्ट है गॉसियन पल्स है, ये टाइम पल्स हमेशा टाइम उस डोमेन में होगी, तो गॉसियन पल्स है ये आपकी है ना, इस तरीके की गॉसियन पल्स है, तो इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम कैसा होगा, पहले इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम निकालेंगे, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म एक गॉसियन पल्स का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म भी गॉसियन सिग्नल ही होगा, तो उसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम भी गॉसियन पल्स का गॉसियन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट
ऑटो कोरिलेशन ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ ड्यूरेशन टी। देखो अगर रेक्टेंगुलर पल्स है जो हम इसको एक्स टी से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हमें निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स टाउ कन्वोल्यूशन एक्स माइनस टाउ ये करते हैं। तो जब रेक्टेंगुलर पल्स है इस तरीके से, ये होगा एक्स टाउ और इसका कन्वोल्यूशन करो एक्स माइनस टाउ भी इसी तरह यही होगा, है ना। तो ये इन दोनों में जब कन्वोल्यूशन होता है तो एक ट्रायंगुलर पल्स आ जाती है, जो ट्रायंगुलर पल्स होगी। आप नहीं तो सॉल्व करके देख लिए ना, है ना, इसको नहीं तो आप सॉल्व करके देखना तो ये वही आएगी, ठीक है। जब दोनों को कन्वोल्यूशन करोगे तो कन्वोल्यूशन करोगे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में, हमें एक्स टाउ और एक्स माइनस टाउ को कन्वोल्यूशन करना, तो एक्स टाउ जैसे ये तो एक्स माइनस टाउ ये, तो इन दोनों कन्वोल्यूशन करा तो हमारी ट्रायंगुलर पल्स ही आएगी, ठीक है। फिर ट्रेंगुलर पल्स, हाँ ड्यूरेशन उसकी, जैसे अगर इसकी ड्यूरेशन टी थी तो इसकी ड्यूरेशन टू टी हो जाती है, ठीक है। तो उसकी ड्यूरेशन हमें पता ही कि करके देखना ना, तो ड्यूरेशन टू टी हो जाएगी उसकी। सवाल ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, ठीक। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है, ये देख लो, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर कोई मैंने गलत चीज़ पढ़ाती हो तो बता दीजिएगा, अगर कोई आप कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमारे इस चैनल के लिए। अगर तो इस वेबसाइट पे अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाके apprecepterson.com पे जाके सपोर्ट नाम का पेज होगा, उस पर जाके आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को, यूट्यूब का चैनल है apprecepterson हिंदी, इस पे जाके इस पे आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो अगर हमारे इस चैनल को शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, तो कम से कम सब्सक्राइब और शेयर से ही हमें, मुझे बहुत ज़्यादा आपका जो भी आप सपोर्ट करो, जिस तरीके से भी आप सपोर्ट करो आप, उसके लिए मैं पहले एडवांस में ही आपको थैंक यू बोल दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर को देखने के लिए भी। जय माता दी, जय राम जी। माता सरस्वती शारदा 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 विद्यादारी दयानी दुःखहरणि जगत जननी माता सरस्वती शारदा सरस्वती शारदा।